शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोई ऑटो ही नहीं दिख रहा है। ऑटो आज लेट है तो एक भी रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे हम? चोर, चोर, पकड़िए उसे। सुना ना, हम देख रहे हैं कैसे तुम सबको रोड पिलाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ना ये तुम्हारा मुंह बोला जो पति है जो पचे पचाए पैसे है ना वो भी उड़ा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना मनुष्य बातें करना बंद करो। हम और शिवांश पार्टनर हैं, हम तो कंपनी का बोर्ड भी बनवाने जा रहे हैं। स्वीटी एंड शिवांश कंस्ट्रक्शन कंपनी। मम्मी, आपने देखा शिवांश ने कैसे हमको गले लगाया था? सने लगाया था या तुमने? वो भी लगाएगा बहुत जल्दी, देख लेना। ऐसा ना हो ये गले लगाने के चक्कर में घर फूक तमाशा करो बेटिया, तुम सबको रोड पर ले आओ। गले तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा गले हमको। एक दिन गले लगाएगा और सब देखते ही रह जाएंगे। ए, आगे से हट, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझ जा तू। हट, बोला ना बैग दे। ताले तू ऐसे नहीं मानेगा। शिवाज, बैग दे। मारना नहीं, देता हूं बैग, बैग देता हूं। रिक्शा ढूंढ रहे थे, वो चोर कहां से आ गया पता नहीं। बेचारे की किस्मत खराब थी, उसे क्या मालूम था कि यहां उसे किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपका बैग। थैंक यू। कोई बात नहीं, आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना तब भी हम यही करते। रिक्शा नहीं मिलेगा, हड़ताल है आज, आप पैदल जाइए।
उसी तरफ जा रहे हैं, छोड़ देंगे आपको। और हाँ, ज्यादा गलत फहमी मत पालना, आप हमारे होने वाले बच्चे की माँ हैं, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। सही कहा आपने, आपके होने वाले बच्चे की माँ है, इसीलिए तो छोड़ दिया आपने, है ना? अगर आपको चलना है तो मुंह पर चुप्पी रख कर चुपचाप बैठिए। चले सभी, आप ठीक है? आप ठीक है ना? ऐसे देख क्या रहे हो? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि बहाना बनाकर दूसरों की बीवी को लिफ्ट दें। आज रिक्शे की हड़ताल है और ऊपर से इनका बैग भी चोर लेके भाग रहा था और चप्पल भी टूट गई इनकी, इसलिए सोचा कि छोड़ दे, वरना बिना चप्पल के नंगे पैर आना पड़ता इनको। बेकार में शक मत करना। बेकार का शक वो लोग करते हैं जिनके रिश्ते और भरोसे कमजोर होते हैं। शिवांश, भरोसे की बात? शिवांश, रोहन, हमें क्लास के लिए देरी हो रही है, चलना चाहिए। शिवांश, थैंक यू हमें कॉलेज तक छोड़ने के लिए, अब आप जा सकते हैं। रोहन, क्लास का समय हो रहा है, चलना चाहिए। शवनी, अगर रिक्शा नहीं मिल रहा था तो हम ही कॉल कर सकती थी, एक फोन ही तो करना था, हम आ जाते लेने। शवनी, न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जिस खाई में गिरने से तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम बार बार वहीं आकर खड़ी हो जाती हो। गलत कहा, कहा रोहन ने, ठीक ही तो कह रहा है, आखिर बार बार हमारे रास्ते क्यों टकरा जाते हैं देवी माँ, पता नहीं क्यों। बेटा, ये मेडिकल कॉलेज है,
यहाँ बच्चे नहीं आते, ये लो। ये गेंद दीवार फंद कर गलती से इधर आ गए, तो क्या करते? एक गलती के लिए इसको छोड़ थोड़ी सकते हैं। ये हमारा बचपन का साथी है। अम्मा जी देखिए, हमारी कंपनी का पहला बोर्ड कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बहुत ही बढ़िया, शिबू बहुत ही तरक्की करे। अरे नींबू मिर्ची नहीं लगाया? बिल्कुल सही कहा अम्मा जी, अब बुरी नजर से तो बचाना पड़ेगा आपके शिवांश। स्वीटी की किस्मत से अब शिवांश बहुत तरक्की करेगा। अरे ये तो एक बोर्ड है, गोरखपुर के कोने कोने में बोर्ड लगेंगे। शिबू काम बना कि नहीं? हाँ माँ, एक टेंडर के बारे में पता किया है, अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। शुभ शुभ सोचो, सब कुछ ठीक होगा। हम तो बस चाहते हैं कि शिवांश का कारोबार बहुत जल्द शुरू हो जाए और वो बहुत तरक्की करे, बहुत पैसे कमाए और इससे भी बड़ा बोर्ड लगे। बोर्ड गिरने वाला है, तुम ही ने कुछ किया होगा ताकि ये बोर्ड गिर जाए। अरे हम तो बस चुप करो, तुमसे स्वीटी की खुशी देखी नहीं जाती ना? अरे नहीं नहीं, नई की दुल्हन ने तो बोर्ड लगवाया है, हम तो यही थे। अम्मा जी इनकी परछाई काली, इनके आने से कुछ कुछ अपशगुन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इनसे तो हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना। स्वीटी, एहसान मानो तुम शरवनी का, अगर वो ना होती ना तो तुम ऐसे खड़े खड़े बकैती ना कर रही होती। ये खून हाथ की बजाय सर से निकलता, इसने बचा लिया तुमको। अब सॉरी बोलो। थैंक यू दीदी हमको बचाने के लिए। मम्मी बिना पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल जाती है। सॉरी, कोई बात नहीं। शिबू चल अंदर चलते हैं। बड़की ठकुराइन इसे हल्दी लगा दो। चल श्रवणी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानने वाले। लेकिन शिवांश ने तो माना ना। Thank you.
आलू और अदौरी की सब्जी। अभी भी तुम्हारी सुई शिवांश की पसंद पर ही अटकी हुई है ना? अरे बेचारे रोहन को भी तो पूछ लो, उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, क्या खाना है। नहीं, शिवांश की पड़ी। और वैसे भी अब शिवांश तुम्हारे हाथ का तो खाने वाला नहीं है। वो अब सिर्फ हमारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाएगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, अगर वो तुम्हारे हाथ का बना खा ले तो। इसलिए स्वीटी, अब ये मुकाबला छोड़ दो, मन से बनाओ और प्यार से परोसो, लेकिन तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। तुम्हारी सोच में मिलावट जो है, देख लेना आज शिवांश हमारे हाथ का खाना खाके कैसे हमारी तारीफ करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम बस ये चाहते हैं कि शिवांश खाना खाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। माँ, रोहन कहाँ रह गए सब? आ जाइए, खाना लग गया है। अरे वाह, भाई वाह, आज लग रहा तड़के में असली स्वाद है। भाई हमें तो लग रही है भूख। ऐसा लग रहा है कि मुंह में स्वाद आ गया। भाई बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। शिवांश, अरे स्वीटी, भाई वाह, कमाल हो गया, इतना अच्छा खाना बनाया तुमने। हमने नहीं बनाया है ये, जो तुम उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे हो ना, हमने नहीं, दीदी ने बनाया है। और इतने देर से रसोई में मर मर के जो हमने बनाया है ना, वो हम समझे कि स्वीटी ने बनाया। अरे शिवांश, इसे खाने की प्लेट को सरकाते नहीं है, अब खा लीजिए, कोई बात नहीं। कोई ना कोई बात हो, यही तो तुम चाहती हो। खाने की मेज पर तमाशा होना तो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। खाना बनाया, परोस भी दिया, पर ऐसा बनती हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ताई जी,
हाथ जोड़कर विनती करते आपसे, हम सबको अब एक साथ यहीं रहना है, मिलजुल कर ना सही शांति से तो रह सकते हैं ना। तुम्हारी शांति तो हम भंग करेंगे श्रावणी। तुमने झोली फैला के कुलदेवी के सामने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हारी बहू की गोद हरी होगी तो तुम 3 दिन तक माता रानी का अखंड पाठ करोगी और जगराता भी करवाओगी। तुमने कहा था कि मेरा पोता अपनी बहू को गोद में उठा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगा। तुम्हें माता रानी को दिया हुआ वचन निभाना होगा, नहीं तो तुम्हें देवी माई का प्रकोप भुगतना पड़ेगा। आपकी अपनी श्रावणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।